आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट सेक्शन। ये इक्विवेलेंट सेक्शन या ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन ऐसा टर्म है जो कि आगे के डेरिवेशन में जितना भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, उसके डेरिवेशन में और एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने जा रहा है, ठीक है। तो पहले इस टर्म को इक्विवेलेंट सेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको सीखते हैं। ये अपने आप में एक इसका डेरिवेशन है, उसको सीखते हैं। बाकी जो डेरिवेशन का जो निचोड़ आता है, फाइनल वो जो रिजल्टेंट आता है, उसको अप्लाई करना रहता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जितने भी थ्योरीज हैं उसमें और जो डेरिवेशंस है उसमें, ठीक है। इक्विवेलेंट सेक्शन कहने का मतलब क्या, जैसे आरसीसी फॉर द एग्जांपल आप ये ले लें, कॉलम का ले लें एक या पिलर का ले लें, ये कंपोजिट सेक्शन है। कंपोजिट सेक्शन कहने का मतलब क्या, दो या दो से अधिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ, ठीक है, अलग अलग टाइप का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर एज अ कंक्रीट एज अ सिंगल मटेरियल और स्टील एज अ सिंगल मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल से मिलके बना है ये आरसीसी, ठीक है। ये जैसे कि ये चार रेनफोर्समेंट है, छड़ है और ये क्रॉस सेक्शन एक तरह से प्लान हम लोग देख रहे हैं पिलर्स का, पिलर का ये एग्रीगेट का ये सिम्बॉल है और ये आपका कंक्रीट है सराउंडिंग एरिया, ठीक है। तो कंपोजिट सेक्शन कहने का मतलब यहाँ पे कंक्रीट और स्टील दो अलग अलग सेक्शन है। और कंपोजिट बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी चेंज इन लेंथ होगा, अगर आइदर वो लोड लगेगा, आइदर वो कंप्रेशन या फिर टेंशन, जो भी चेंज इन लेंथ होगा या आइदर वो डिक्रीज होगा या फिर इलोंगेट होगा, वो दोनों मटेरियल में एक समान होगा तभी वो कंपोजिट है। अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता कि कंक्रीट अलग कंप्रेस होता, स्टील अलग अमाउंट से कंप्रेस होता, तब वो कंपोजिट मटेरियल नहीं है। हम लोग मॉस में भी इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल पढ़े हैं जहाँ पे कि हम लोग अलग अलग मटेरियल में स्ट्रेस निकालना रहता था, ये कितना लोड ले रहा है, ये कितना लोड ले रहा है, ये निकालना रहता था। इसमें हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शन का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करते थे, ठीक। तो कंपोजिट सेक्शन होने का मतलब क्या है, जो भी चेंज इन लेंथ रहेगा आइदर कंप्रेशन और इलोंगेशन, वो दोनों में समान होगा, दोनों मटेरियल में समान होगा, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी दोनों का अलग अलग होगा, लोड लग रहा है पी तो पी का पी वन ये लेगा, पी टू ये लेगा, वो दोनों अपने क्षमता के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी अलग हो सकता है, लेकिन बिहेवियर बाहर से जो बिहेवियर होगा, जो लोगों को दिखेगा कि वो एक ही मटेरियल है, ठीक है। यानी कि कंप्रेशन होगा तो दोनों का एक समान और इलोंगेशन होगा तो दोनों का एक समान। इंटरनली अब क्या बात है, ये कितना लोड ले रहा है, ये कितना लोड ले रहा है, वो सेम नहीं हो सकता है, लेकिन बाहर से दिखना चाहिए कि कंपोजिट सेक्शन है, एक जैसा सेक्शन है, इसका ये कहने का मतलब है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, या आप स्ट्रेन कह लें, स्ट्रेन इसमें और इसमें दोनों में समान होगा, स्ट्रेन इन कंक्रीट इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है, स्ट्रेन इन कंक्रीट इक्वल्स टू स्ट्रेन इन स्टील, ये कंपोजिट सेक्शन का मतलब है, ठीक है। अगर हम लोग को ये फाइनली जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, जैसे कि बताए थे पहले भी कि स्टील जो है वो कंप्रेशन भी सह सकता है और टेंशन भी सह सकता है, कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन सह सकता है, ये टेंशन नहीं सह सकता, ठीक है। अब स्टील बहुत कंक्रीट से भी अच्छे तरीके से कंप्रेशन को सह सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग कॉलम कंक्रीट ना देंगे, स्टील का ही देते वो तो और अच्छा रहता, लेकिन अनइकोनॉमिकल रहता, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च आता, ठीक है। तो ये कंक्रीट के तुलना में स्टील बहुत बेहतर तरीके से और ज़्यादा अमाउंट में कंप्रेसिव फोर्स को सह सकता है, ठीक है। अगर ये इसको एक तरह से और समझे कि इतना छोटा सा एक स्टील इतने बड़े कंक्रीट के बराबर हो सकता है, ठीक है, ये जितना लोड सहेगा छोटा सा स्टील, कंक्रीट इतना बड़ा एरिया मिलके सह सकता है, यही इक्विवेलेंट एरिया का कहीं ना कहीं मतलब है, ठीक है। लोड के टर्म में ये दोनों लोड सेम सह सकता है, लेकिन एरिया के टर्म में दोनों का जो अमाउंट है, अगर स्क्वायर में बात करें तो वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। लोड सेम सह सकता है, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट एरिया हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका कोई एरिया ऑफ स्टील है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट एक होगा, और एएसटी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा एरिया ऑफ कंक्रीट। मतलब क्या कि एरिया ऑफ कंक्रीट जो है इस स्टील के तुलना में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर दिख रहा है आपको फिगर में, एक टर्म सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सी टर्म कितना है इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। सी से ये छोटा सा एरिया को कितने अमाउंट से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें जो कि ये कंक्रीट का एरिया आ जाए, यही दोनों जो इक्विवेलेंट यहाँ पे किए हैं, ये इक्विवेलेंट सेक्शन है।
ठीक है, मैग्नीट्यूड के अगर लिहाज से देखा जाए, और फिगर से आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिराइव कैसे करें, इस कांस्टेंट को कैसे पता करें, उसका डेरिवेशन यहाँ पे है। उसके पीछे एक बेसिक है, एक लॉजिक है कि कंपोजिट सेक्शन में स्ट्रेन जो होगा, कंक्रीट में स्ट्रेन और स्टील में स्ट्रेन दोनों क्या होगा, समान होगा। और स्ट्रेन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन को देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है। स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट कैन बी रिटेन एज स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। सिमिलरली स्ट्रेन इन स्टील कैन बी रिटेन एज स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। क्लियर? नाउ स्ट्रेस इन स्टील कैन बी अरेंज्ड एज ई एस अपॉन इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इन कंक्रीट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर भेजें। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हम लोग पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किए थे कि एक मॉडुलर रेशियो टर्म है, विच इज़ द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, मॉडुलर रेशियो, जिसको कि हम लोग छोटी एम से सूचित करते हैं। पिछले सेकेंड लेक्चर में आप देखेंगे, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, तो आपको ये डिस्कस किए हम लोग इसके बारे में। तो इस दोनों का रेशियो ही मॉडुलर रेशियो कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो, विच इज़ नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। एम मल्टीप्लाइड बाई एम टाइम्स इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, ये एक टर्म आया, कहीं भी डेरिवेशन में आगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील कितना डेवलप किया उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम टाइम्स स्ट्रेस इन कंक्रीट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील। चलिए एक और हम लोग जैसे यहाँ पे बेसिस इसको माने थे, इस तरह से एक और बेसिस हम लोग पकड़ते हैं कि टोटल लोड कैन बी बायफर्केटेड बाय लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कंक्रीट। जैसे कि हम लोग मॉस में पढ़े थे, टोटल लोड जो लोड होगा, स्ट्रेन दोनों में सेम है लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी दोनों का अलग अलग हो सकता है। P1 अमाउंट का कंक्रीट लोड ले सकता है, P2 अमाउंट का स्टील लोड ले सकता है। टोटल जो P है वो दो पार्ट में बायफर्केट हो गया, डिवाइड हो गया, टोटल जो लोड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब लोड को हम लोग कैसे, स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड बटे एरिया, तो लोड कैन बी रिटेन एज स्ट्रेस इन टू एरिया। तो लोड कैरिड बाई स्टील कैन बी रिटेन एज स्ट्रेस इन स्टील इन टू एरिया ऑफ स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कंक्रीट कैन बी रिटेन एज स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या डिराइव करके लाए थे, स्ट्रेस इन स्टील कैन बी रिटेन एज एम टाइम्स स्ट्रेस इन कंक्रीट। स्ट्रेस इन स्टील कैन बी रिटेन एज एम टाइम स्ट्रेस इन कंक्रीट इन टू ए एस प्लस सिग्मा सी इन टू ए सी। नाउ सिग्मा सी इज कॉमन इन बोथ टर्म, सो वी कैन फाइनली कॉमन दैट सिग्मा सी ब्रैकेट एम इंटू ए एस प्लस ए सी। ठीक है, इस तरह से, और ये जो एरिया है ये इक्विवेलेंट एरिया है, ये जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट एरिया। अब इसको समझिएगा कि ए सी एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्टील को कंप्लीट ख़त्म करके यहाँ पे पूरा का पूरा अगर कंक्रीट का ही बनाना पड़ता तो हम लोग को और कितना एरिया जोड़ना पड़ता, तो जितना पहले से स्टील का एरिया था उसमें और एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना एरिया और क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, तब वो पहले का जितना लोड कैरिंग कैपेसिटी जिस एरिया का था उसके बराबर का लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला एरिया बन पाता। ठीक, स्टील को रिप्लेस किए कंक्रीट से, सिंपल सा लैंग्वेज में जो यहाँ पे स्टील था उसको रिप्लेस किए कंक्रीट से। रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ से स्टील निकाले और वहाँ पे कंक्रीट भर दिए, कहने का मतलब क्या, जितना लोड सहने का क्षमता स्टील का था उतना ही अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो जो कंक्रीट लगा रहे हैं तो लोड सहने का क्षमता में किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि कंक्रीट का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो स्टील के तुलना में कंप्रेशन में भी कम है, तो कंक्रीट को हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कितना ज़्यादा लगाना पड़ेगा,
जितना स्टील का एरिया था उसको m से मल्टीप्लाई करिए, और m का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन होगा हमेशा, याद रखिए, उसको m से मल्टीप्लाई करिए, तब जितना अमाउंट आता है उतना कंक्रीट और जोड़ के लगाइए, तब जाके आपका इक्विवेलेंट एरिया बनेगा। और इक्विवेलेंट एरिया कहने का मतलब जितना पहले का जो सेक्शन था, पहले का सेक्शन इस तरह का था, ये जितना लोड सह सकता था उतना के बराबर ही अब ये लोड सहेगा, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका क्रॉस सेक्शन वो इसके तुलना में ज़्यादा बड़ा होगा, इसमें क्योंकि ज़्यादा और कंक्रीट क्या किए हैं, जोड़े हैं, इसको रिप्लेस किए हैं कंक्रीट से, और इसका इस चारों का जितना क्षमता था कंप्रेशन सहने का, और ये एक्स्ट्रा जो कंक्रीट लगाए हैं इस साइड से या चाहे किसी भी डायरेक्शन से आप लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब इतना और जो हम लोग कंक्रीट इसमें जोड़े हैं वो दोनों का क्षमता, लोड कैरिंग कैपेसिटी इन कंप्रेशन, वो क्या है, सेम है, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये रिप्लेसमेंट वाला अमाउंट है, अगर स्टील को हटा के वहाँ पे कंक्रीट लगाना है तो कितना से गुना करके, पहले जो स्टील था उसमें एम से गुना करके जितना अमाउंट आएगा उतना कंक्रीट का अमाउंट हम लोग को वहाँ पे लगाना है। तो ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसका जो यूज़ है वो आगे के डेरिवेशन में बहुत आने वाला है।